आसंताकाल अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान टक्कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे मुहांमुही हेबे उभय दल ता पूर्व क्रिकेट फीवर हॉस्पिटल सज्जा रे क्रिकेट प्रेमी मिछो स्वास्थ्यगत समस्या देखाई हॉस्पिटल बेड बुक करुछंती बुकिंग ए विश्वकप रे आसंताकाल भारत पाकिस्तान हाई वोल्टेज मैच रही पूर्व फैंस को घरेछि क्रिकेट फीवर विशेष करके ज्वर राति अधिक व्यापुची तेणु अहमदाबाद विभिन्न हस्पिटाल नर्सिंग होम रोगी संख्या मात्राधिक बढ़ुची फलर सहर हस्पिटाल सज्जा गुड़िक भर्ती होगला जहाक नहीं स्थानीय प्रशासन तत्पर अच्छी प्रकृत में अहमदाबाद में सेमती कौन ज्वर बापी ना कथा कि भारत पाकिस्तान मैच देखापर को हजार हजार क्रिकेट प्रेमी आसुंच जहाक नहीं साधारण होटेल ठू पंचतारका होटेल पर्यंत भड़ा आकाश छुआ हो तेणु साधारण लोक मिछ स्वास्थ्यगत समस्या दर्शाई विभिन्न हस्पिटाल रात्रि जापन कर सबु हस्पिटाल यह घटना देखा मिली सेपटे बढ़िवार लगी क्रिकेट कलाबजारी किसी व्यक्ति पूर्व मैच टिकेट कि 25 गुणा अधिक दाम बिक्री करना तो काली भारत पाकिस्तान हाई वोल्टेज मैच मुहांमुही हेबे पारंपरिक प्रतिद्वंदी भारत पाकिस्तान द विश्वकप्र सबुठ बड़ मैच कह आम सहित राउरकेलू शुभम प्रधान जोड़ी होती शुभम आपको आसपा चाहिए जितेबाड़े आसंता का हाई वोल्टेज मैच देशर सबुठ बड़ सुंदर स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबुठ बड़ सुंदर मैच होगा दुई पारंपरिक प्रतिद्वंदी मुहांमुही हे तो जहाँ को लेकिन क्रिकेटर देखिए कि फैन्स पारा बढ़ी जा राउरकेलें फैन्स मैंने उत्साहित होती आसंता का मैच को लेकिन प्रकृत में केते स्कोर हे नरेंद्र मोदी स्टेडियम पिच किभली रही पारे स्पिनर एवं प्रथमे बैटिंग ना सेकंड बैटिंग सुहाई पारे बिल्कुल स्वागतिका प्रथम तो कहवाक चाहिए भिजुअल देखु आम रही आसंता का भारत पाकिस्तान मुहांमुही हे कि देखिए आज जो भाव में गोटे फैन्स मान क्रिकेट प्रेमी मान क्रेज तो बढ़िवार लगी जो फिवर रही धीरे धीरे बढ़िवार लगी प्रतिकार ना चाहिए चोरअप कर इंडिया को क्या बोलेंगे कल का मैच कैसे रहेगा कल का मैच अच्छा रहेगा इंडिया लगातार दो मैच जीत के आया तो लगता है कि अगला मैच भी इंडिया जीतेगा अहमदाबाद का ग्राउंड है और होप करते हैं कि शुभमन गिल जल्द से जल्द फिट होकर टीम में आए आप क्या बोलेंगे देखिए पूरा हाई वोल्टेज मैच एक तो देखने को मिलेगा कैसे रहेगा देखिए दोनों ही टीम अपना पिछला दो दो मैच जीत के आई है किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते और उनके पेस बॉलर्स अच्छे हैं और हमारे ओपनर्स भी अच्छा कर रहे हैं रोहित शर्मा कल सेंचुरी मारे हैं तो उम्मीद करते हैं वो कल भी अच्छा खेले और कल का मैच इंडिया के तरफ ही आएगा कौन कहे इंडिया एथर मैच विश्वकप ओह्लाई प्रथम मैच जीती कल रही पाकिस्तान सहित केमती देखुंट इंडिया आप क्या बोलेंगे देखिए कल तो प्रमुख इंडिया और पाकिस्तान मैच को कितना हाई वोल्टेज मैच रहेगा जैसे कि सभी को पता है कि हर मैच इंडिया पाकिस्तान जैसे राइवलरी मतलब बड़ा है इस वजह कल भी मतलब बड़ा ही रहेगा सपोर्ट करेंगे इंडिया को जीते और वर्ल्ड कप में आगे और अच्छा करे हम लोग का देखे बॉलिंग पार्ट ऑफ को देखेंगे तो कैसे देख रहे हैं हम लोग इंडिया टीम मोहम्मद सिराज और हम लोग के पहले जसप्रीत बुमराह के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा जो कि हमको नया बॉल से विकेट निकालने में अगर विकेट निकालने में सक्षम होते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है जैसे उनका ओपनिंग स्पेल है इमाम हुलक और इफ्तिखार अहमद बाबर आजम टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को जल्दी वापस भेजेंगे तो ऑब्वियसली टीम इंडिया विन करेगा ही करेगा कौन कहे देखिए पाकिस्तान बॉलर फास्ट बॉलर अच्छा तो कमती मैच कल जो मैच है पाकिस्तान बनाम इंडिया का मैच है और इस मैच जब होता है हमारे देश के लोगों में थोड़ा उत्साह ज्यादा होता है और खास तौर पे देखा जाए तो इस साल की जो टीम बनी है जो टीम सेटिंग है वो बहुत बढ़िया है अच्छे अच्छे बैट्समैन है हम आशा करते हैं सुमन गिल जल्द से जल्द ठीक हो और टीम स्ट्रांग हो और पाकिस्तान के साथ अच्छा मुकाबला हो अच्छे स्कोर के साथ हो देखिए स्पिनर अगर देखेंगे हम लोग जडेजा हो कुलदीप यादव अच्छा फॉर्म में है इंडिया जी मतलब कुलदीप यादव अभी विकेट भी निकाले रविंद्र जडेजा अपने विकेट भी निकाल रहे मिडिल ओवर्स में इसके साथ तो लगता है इस बार स्पिनर भी कुछ काम करेंगे अहमदाबाद विकेट में और शायद इंडिया जीत भी जाए और आशा अपना लगातार पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में जीतेगा इंडिया बिल्कुल देखते आउ प्रतिक्रिया ने चाहिए सर देखिए जदि गोटे उत्साह गोटे रही पूरा भरपूर आसंता का मैच में आपड़ के आमर तो खेल शिक्षक हिसाब से मुझे निश्चय आम पाने जो मोटिवेट अच्छा जो एनकरेज भी होती इंडिया मैच कल अच्छी इंडिया और पाकिस्तान मैच सब बहुत भल हुए आमे आज पर्यंत वर्ल्ड कप रे केबे हारी नाहु तांकडो मु भी भगवान पाखरे प्रार्थना करछु एक्सपेक्ट करछु आम पिला माने भी काली से जो अच्छी आमर
ମାନେ ସେଇ ବଜାୟ ରଖିବେ, ସେଇ ଜିତିବାଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଆଉ ଆମର ସବୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଆମର ବୋଲର ମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ସନ୍ତୁଳିତ ଟିମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭାରତରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ଆମେ ମାନେ 2011 ମାନେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ। ହକି ବି ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଜିତିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଅଲମ୍ପିକରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏସିଆନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ବି ଆମର ଭାରତ ପାଖରେ ରହୁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କଲେଜ ତରଫରୁ ଆମର ସବୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ, ଭାରତ ଟିମ୍କୁ, ଯେ ସେମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଜିତନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍। ଆଉ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ପୁରା ଭାରତବାସୀ ଯେବେ ସେଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, କ୍ୟା ବୋଲେଙ୍ଗେ କଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ହେ, କିତନା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେ, କଲ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ କରେଗା କ୍ୟା ଲଗେ? ବିଲକୁଲ କରେଗା, ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତେଗା। ମ୍ୟାଚ୍ ତ ଓବିୟସଲି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେ ସବ କୋଇ, କ୍ୟୁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଔର ପାକିସ୍ତାନ କା ମ୍ୟାଚ୍ ହେ, ହମେଶା ସେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ରହତେ ହେ ସବ, ଔର କଲ ବି ସବ ଜିତେଙ୍ଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ଆଉ ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏବେଠାରୁ ଚିଅର ଅପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। କାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବ, ଯଦି କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ କଥା ନୁହେଁ, ଯଦି କହିବା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବ, ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ଦଳ ଯେଉଁ ମୈଦାନକୁ ଯେଉଁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଏବେଠୁ ନେଇକି ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ। ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଭାଇ, କାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ କେତେ ରୋମାଞ୍ଚିକ ରହିବ? हर बार की तरह सबको तो पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कैसा रोमांचक रहता है। सेम वही हाल कल का भी वही रहेगा। पूरा भारतवासी एक साथ मिलकर देखेंगे ये मैच को, इंडिया पाकिस्तान। और बाकी हमारा तो इंडिया टीम को हमेशा के लिए, हम लोग इंडिया टीम को सपोर्ट करते ही है। बाकी इंडिया तो जीतेगा ही। कल देखिए पूरा कड़ा टक्कर पूरा होने वाला है मुकाबला, कितना स्कोर होगा उम्मीदवार है? अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो ऑब्वियसली 350 से ऊपर स्कोर करने की देखेगी। अगर चेस करती है और अगर डिफेंड करेगी तो फिर पाकिस्तान को ऑब्वियसली 220 या 40 के अंदर रोकने की कोशिश करेगी। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଯଦି କହିବା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ କେତେ ସ୍କୋର ବାହାରିବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ଆଶା ରଖିଛୁ କାଲି ସେଞ୍ଚୁରି ହବ ସେ ମାରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ସେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତାଙ୍କ ରହିଛି, ଆଉ 50 ଉପରେ ସେଟା ରହିବ, 100 ପାଖାପାଖି ଯାଉ। ବିଲକୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାରତ ଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି, ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ, ତାହାକୁ ନେଇକି ଏ ବିଜୟ ଯୋଉ ପଦଯାତ୍ରା ରହିଛି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବରକରାର ରହିବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁ, ଏବଂ ଏଥର ଯୋଉ ରହିଛି ବିଶ୍ୱକପ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାରତ ଅକ୍ତିଆର କରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ହାତକୁ ଆସୁ ବୋଲି। ଏବଂ ଯୋଉ ବିରାଟ କୋହଲି ରହିଛନ୍ତି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଯୋଉ ଓପନିଂ ଉପରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବେ ଚିଅର ଅପ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ଯଦି କହିବା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇକି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ, ମାନେ ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇକି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭମ।